तो दोस्तों WWE में 2024 के हिसाब से कितने इंडियन सुपरस्टार्स हैं? दोस्तों एक समय था जब WWE में 11 से 12 रेसलर्स इंडिया से थे, लेकिन अब वो नंबर घट के आया है 4 या 5 के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कौन है वो चुनिंदा 4-5 रेसलर्स जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं WWE के अंदर। एक नंबर पे आते हैं अपने मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल। जी हां दोस्तों, फॉर्मर WWE चैंपियन, इंडस्ट्रियल टीम के लीडर और WWE के एक तगड़े विलन जिंदर महल परफॉर्म करते हैं रॉ में। वैसे दोस्तों जिंदर महल की नेशनलिटी कनाडा है, पर उनकी कहीं ना कहीं ओरिजिन इंडिया से है। और सबसे जरूरी बात, WWE के अंदर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दोस्तों दो नंबर पे आते हैं वीर महान, जिनका असली नाम है रिंकू सिंह राजपूत और WWE ने अब उनका रिंग नेम रखा है सिर्फ वीर। यह है दोस्तों इंडस्ट्रियल टीम के एक तगड़े मेंबर जो कि WWE रॉ में परफॉर्म करते हैं, जिनकी हाइट है 6 फुट और 4 इंच और वेट है 125 केजी। दोस्तों WWE में द ग्रेट खली के बाद इंडिया में सबसे कोई फैन फेवरेट रेसलर हो तो वो है वीर महान, क्योंकि इन्होंने अपने सिंगल्स रन में WWE में काफी तहलका मचाया था। हालांकि अभी वीर की काफी कम मैचेस देखने को मिलती है, पर WWE के अंदर वो अभी भी एक डोमिनेंट रेसलर है। फिर दोस्तों तीन नंबर पे आते हैं सांगा, जिनका ही असली नाम है सौरव गुर्जर। इनकी हाइट है 6 फुट और 8 इंच और वेट है 136 केजी। इंडस्ट्रियल टीम में सबसे तगड़े दिखते हैं और ये भी इंडिया में काफी फेमस है। फिर दोस्तों चार नंबर पे आते हैं एकम, जो एक फेमस फैक्शन के मेंबर है, जिस टीम का पुराना नाम है ऑथर्स ऑफ पेन। वैसे दोस्तों जिंदर महल के जैसे ही ये भी एक कैनेडियन रेसलर हैं, पर कहीं ना कहीं इनके भी रूट्स इंडिया से जुड़े हैं। इनका असली नाम है सनी धैंसा और इनके इंस्टा के बायो में आपको इंडिया का फ्लैग देखने को मिलेगा। हालांकि ये WWE में इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। फिर दोस्तों पांच नंबर पे आते हैं गुरुराज, जिनका असली नाम है लक्ष्मीकांत राजपूत। वैसे दोस्तों गुरुराज की WWE में लास्ट मैच हुई थी 2022 में और उसके बाद से वो WWE से गायब है। ना उनके रिलीज की कोई न्यूज है, ना ही इस पर गुरुराज की तरफ से कोई रिएक्शन है। वैसे एक बार उनके इंस्टाग्राम के पोस्ट के ऊपर किसी ने कमेंट करके पूछा था कि WWE ने आपकी भी लाइफ खराब कर दी है, जैसे कि शांति सिंह की, और उस पर गुरुराज ने रिप्लाई दिया था इट्स ओके रिलैक्स करके। वैसे WWE के ऑफिशियल वेबसाइट पर करंट रोस्टर्स में अभी भी गुरुराज शामिल है, जबकि WWE हर बार निकाले गए रेसलर्स के नाम करंट रोस्टर से निकाल देती है। वो पहले दिखाई देते थे WWE 205 लाइव में और बाद में NXT लेवल अप में, लेकिन अब एक साल से उनका कोई भी अता पता नहीं है। इसलिए अब गुरुराज WWE के अंदर है या नहीं एक सस्पेंस ही है। लेकिन जैसे ही कोई असली खबर मिलती है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पिंड कमेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।